Good morning, dear student. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, इंजीनियर अकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आज आप लोगों की क्या चलती है, करंट अफेयर की क्लासेस चलती है, करंट से रिलेटेड, या इस वीक में हमने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी, तो आरआरबी जी बेसिस पे जो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा उसे हम लोग करेंगे आज, ठीक है ना। अभी तक कई सारी चीज़ें हमने पढ़ी होगी, जो नहीं पढ़ी उसे हम यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आप लोगों को बोला था, ठीक है ना, हर सैटरडे को इसी तरह से चलता रहेगा आपका। गुड मॉर्निंग अजय कुमार यादव जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सचिन कुमार जी, गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। तो जल्दी से हम लोग, पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने दिख रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, इन विच स्टेट डिड इंडियन एयरफोर्स, यानी कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा अभी रिसेंटली क्या किया गया, अभी एक्सरसाइज की गई थी ना, इसमें क्या किया गया, एक्सरसाइज की थी। ये क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया आपका, ठीक है ना। इसमें पूरा क्वेश्चन क्या है, इंडियन एयरफोर्स द्वारा अभी रिसेंटली एक एक्सरसाइज की गई थी, ठीक है, जिसमें कि अभी रिसेंटली, तो वो आपका कौन से स्टेट के अंदर किया गया था, वो राजस्थान में किया गया था। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक एक्सरसाइज की गई थी, ठीक है ना, एक रिहर्सल के तौर पर की गई थी, ठीक है। तो जिसमें पाक मीडिया में काफ़ी चर्चाओं में रहा ये चीज़ें, तो कहाँ पर की गई थी आपके, राजस्थान के अंदर की गई थी। क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका टू देखना, क्वेश्चन नंबर टू क्या है, क्वेश्चन नंबर टू आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर टू आपकी स्क्रीन के सामने है। हु वॉज द अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है ना, सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया, सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो आप लोगों को मैंने कल भी बताया था कि 6:30 बजे से आप लोगों का जो जनरल स्टडी के क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं उनसे रिलेटेड टेस्ट होगा, तो ये मैंने कल भी बताया था आप लोगों को। आप लोगों को तो आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को, जितने भी बच्चे ऑनलाइन है रिप्लाई कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, सब कुछ क्लियर है, साउंड और सामने स्क्रीन आपको क्लियर दिख रही है सब कुछ। गुड मॉर्निंग डियर, ठीक है, गुड मॉर्निंग योगेश कुमार जी, गुड मॉर्निंग योगेंद्र जी, गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। तो आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन नंबर टू है आपका, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया, तो इनका नाम क्या है, प्रमोद चंद्रा मोदी, ठीक है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया, चेयरमैन के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया, प्रमोद चंद्रा मोदी, इनका नाम क्या है, प्रमोद चंद्रा मोदी, ठीक है ना। तो सी इसमें राइट आंसर आएगा आपका, राइट आंसर क्या आएगा, सी राइट आंसर आएगा इसमें, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है ना, आपके स्क्रीन सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग म्युनिसिपल ऑफ द कॉर्पोरेशन वॉन फर्स्ट प्राइज ऑफ द स्वच्छता एक्सलेंस अवार्ड 2019। स्वच्छता एक्सलेंस अवार्ड 2019 किसे दिया गया? बिलासपुर, रायगढ़, राउरकेला या आपका जमशेदपुर? रिसेंटली, ठीक है, किसे दिया गया? राइट आंसर है इसका बी, किसे दिया गया आपका? राइट आंसर है बी, ठीक है ना, रायगढ़, जो कि कहाँ पे आता है आपका? छत्तीसगढ़ के अंदर आता है, रायगढ़ जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फोर की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर फोर, गुड मॉर्निंग राहुल कुमार जी, गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है आपके सामने है? क्वेश्चन नंबर फोर है न्यू स्पेसी ऑफ द क्राइंग स्नेक नेम्ड विच द डिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदेश। अभी रिसेंटली एक नई स्पेसीज यानी एक नई जाति के वंश जो आपका, ठीक है, स्पेसीज के बारे में बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है ना। इन न्यू स्पेसीज क्राइंग स्नेक नेम्ड वॉज डिस्कवर्ड इन द अरुणाचल प्रदेश। आपके सामने चार ऑप्शन रखे गए हैं, इनमें से कौन सा है? इन चार में से रिसेंटली जो खोजा गया आपका कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो इसका नाम क्या है, ठीक है, इसका नाम पूछ रहा है, इसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? सी राइट आंसर आएगा इसमें, ठीक है ना, प्रोटेस्टला क्राइस्टा, ठीक है, सी इसमें राइट आंसर आएगा, जो कि कहां पे ढूंढा खोजा गया, अभी डिस्कवर किया गया आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जो कहां पे खोजा गया आपका? अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है ना। सी इसमें राइट आंसर आएगा आपका, ठीक है ना, सी इसमें क्या है? राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर। क्वेश्चन नंबर फाइव हु वॉन द सेकेंड ग्रैमी अवार्ड फॉर हिज बायोग्राफी फेथ अ जर्नी फॉर ऑल, ठीक है ना, फेथ अ जर्नी फॉर ऑल, ये किसे मिला ये अवार्ड रिसेंटली किसे मिला है? फेथ अ जर्नी फॉर ऑल, तो रिसेंटली किसे मिला है? जिमी कार्टर को मिला, ठीक है, जिमी कार्टर को ये अवार्ड मिला है आपका फेथ ए जर्नी, ठीक है ना, किसे मिला आपका? जिमी कार्टर को, सी इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है, याद रखना इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम जरूर याद रखना, फेथ ए जर्नी फॉर ऑल, ये किसे मिला है आपका? जिमी कार्टर को मिला है, ठीक है ना, ग्रैमी अवार्ड। क्वेश्चन इसका आंसर है आपका सी, राइट आंसर है इसमें, सी राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाउ मेनी कंट्री हैव पार्टिसिपेट इन द एशिया पैसिफिक रीजन लार्जेस्ट मल्टीनेशनल मल्टी एक्सरसाइज, ठीक है ना, ये क्या है? लार्जेस्ट मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज कोबरा गोल्ड बिगेन हायर इन थाईलैंड, यानी कितनी कंट्रियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, कितनी कंट्रियों ने इसमें भाग लिया है आपका? 14, 29, 25 या 32? कितनी कंट्रियों ने भाग लिया इसमें, ठीक है ना, तो कितनी कंट्रियों ने भाग लिया इसमें? आपके 29 कंट्रियों ने पार्ट, इसका राइट आंसर आएगा आपका, जो कि ध्यान देना ये कहां पे हुआ आपका?
थाईलैंड के अंदर हुआ है, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ आपका? थाईलैंड के अंदर। आप लोगों को पीडीएफ में आंसर चाहिए होते हैं, इसलिए आंसर मेंशन है, तो आप इस चीज का ध्यान मत देना, ठीक है ना। अपने क्वेश्चन पे ही ध्यान देना आप लोग। आंसर अगर आप लोगों को शो हो रहा है तो आंसर पे ध्यान मत देना, ठीक है। हाँ, 29 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट करा है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। विच कंट्री हैज, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट एंटर इनटू 30 ईयर कंस्ट्रक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ इंडिया फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम इन अमरावती। सिर्फ इसका ध्यान देना आप लोग, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कूलिंग, ठीक है ना, सिस्टम इन अमरावती। अमरावती कहाँ पे आता है आपका? आंध्र प्रदेश के अंदर। तो किसके साथ ये एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है ना, कौन से कंट्री के साथ आंध्र प्रदेश का एग्रीमेंट हुआ है, जो कि पहला आपका क्या बनेगा, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम इन द आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है, यूएई, कतर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका? ए, यूएई, ठीक है ना। इसमें राइट आंसर क्या आपका? ए, यूएई के लिए, ठीक है ना, यूएई के अंदर ए इसमें राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बच्चे भी सर जी आप आंसर के सामने खड़े हो जाओ तब आंसर नहीं दिखे। देखो आंसर इसमें इसलिए मेंशन करना पड़ता है क्योंकि बच्चों को पीडीएफ भी सेंड करनी है और बिना आंसर के अगर सेंड करूंगा तो इस वजह से, ठीक है ना, इस वजह से आंसर इसमें मेंशन कर दीजिए, क्योंकि जो भी अब तक पीडीएफ सेंड करी थी उसमें आंसर मेंशन नहीं थे, ठीक है। लेकिन आगे से ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, आपको आंसर विजिबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें जो आपका आंसर है कौन सा? ए, यूएई, ठीक है, यूएई के साथ एग्रीमेंट हुआ, ठीक है ना, यूएई के साथ। पीडीएफ के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ अभी जो एकेडमी के जो आप लोगों के पास ऐप वगैरह है जो आपने डाउनलोड किया है उस पर तो अभी वर्क चल रहा है, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में क्या दिया जाएगा, एक टेलीग्राम लिंक दे दूंगा जिसमें आप लोगों को क्या होगा, लास्ट टाइम की इसलिए नहीं दी गई थी आप लोगों को क्योंकि उसमें आंसर मेंशन नहीं थे, तो इसमें आंसर एक्सप्लेन करके आप लोगों को दे दिया जाएगा, ठीक है ना। आज तो आप लोगों के सभी आंसर सही होंगे, ठीक है, आंसर आप लोगों के सामने दिख रहा है तो आज तो आंसर मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो लिंक कैसे मिलेगा? लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैं आज लिंक दे दूंगा, तो जिसमें से आप लोग लिंक से क्या करेंगे, टेलीग्राम लिंक दे दूंगा आप लोगों को, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना, पीडीएफ आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? यूएई, ठीक है, ए इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 अभी नहीं है, अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं है, जैसे ये खत्म हो जाएगा टेस्ट आपका उसके बाद दे दूंगा, ठीक है ना। तो ये आपके क्वेश्चन थे जो अभी इसका, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी नहीं तो इसका आंसर आपके सामने मेंशन भी है, तो आंसर क्या आपका? हु कंफर्म द फर्स्ट एवर फुटबॉल रत्न ऑनर ऑफ द फुटबॉल ऑफ दिल्ली, दिल्ली जो फुटबॉल क्लब है उनके द्वारा फुटबॉल रत्न अवार्ड दिया गया है, ठीक है, किसे दिया गया आपका? बांचुंग भुटिया, ठीक है ना, सुब्रत पाल, गुरप्रीत सिंह संधू या सुनील छेत्री, किसे दिया गया, ठीक है ना। सुनील छेत्री, इसमें राइट आंसर क्या आपका? डी, सुनील छेत्री। तो आंसर आप लोगों को दिख ही रहा है आज तो सुनील, ठीक है ना, आज आंसर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है।
तो आंसर की तरफ ध्यान मत देना, आप क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना, ठीक है ना। आंसर बिल्कुल दिख रहा है आप लोगों को, आप सही है, आप ठीक है ना, अब नहीं दिखेंगे, ठीक है ना, अब आंसर आप लोगों के नहीं दिखेंगे, ठीक है ना। अब ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अब नेक्स्ट, अब सही है, ठीक है ना, अब नहीं दिखेंगे तो अब क्वेश्चन नंबर 9, इंफोसिस, अभी रिसेंटली इंफोसिस आप लोगों को पता होगा, नंदन नीलेकणी भी इसके को फाउंडर थे इंफोसिस के। इंफोसिस अनाउंस द लॉन्च ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये इंजीनियरिंग जो इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंजीनियरिंग जो आपके स्टूडेंट होते हैं उनके लिए रिसेंटली लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। तो कौन सा है, इंफोसिस EQ करके है, या इंफोसिस IQ है, या इंफोसिस PQ है, या TQ करके है। इसमें क्या है आपका, इंगेजमेंट एक्सपीरियंस एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जो लर्निंग ऐप जारी किया गया है, तो वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, डी राइट आंसर है इसमें, ठीक है ना, डी राइट आंसर है, डी इसमें राइट आंसर, इंफोसिस ठीक है, TQ करके, डी राइट आंसर आएगा इसमें। डी इसमें राइट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के सामने है, वेयर वॉज द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2019। अभी रिसेंटली वर्ल्ड, ठीक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2019 कहां पे होगा, न्यू दिल्ली, पेरिस, लंदन या रोम। तो ये कहां पे होगा आपका, न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है ना, कहां पे होगा ये, न्यू दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है ना, न्यू दिल्ली के अंदर होगा। ए न्यू दिल्ली, ठीक है, ए इसमें राइट आंसर है, ए न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ओलंपिक खेल 2020 यानी 2020 में, 2020 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पे होगा। तो काफी चर्चाओं में रहता है क्वेश्चन, जहां पे टोक्यो जापान के अंदर होना है, तो ए राइट आंसर है। इससे रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अगर ओलंपिक खेलों की बात हुई है तो आप मुझे बताएंगे ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन कराता है, IOC कराता है, दिख रहा है आप लोगों को, क्लियर दिख रहा है, IOC दिख रहा है ना। ठीक है ना, कौन कराता है, IOC कराता है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन कराता है, IOC कराता है, ठीक है ना, कौन कराता है, IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कराती है। आप मुझे बताएंगे IOC कब स्टैब्लिश हुआ, स्पेशली अगर इतने बड़े लेवल पे गेम होता आपका, क्योंकि 2028 तक आप लोगों को पता होगा कि अभी 2024 में आपके पेरिस के अंदर होगा, फिर USA के अंदर होगा, तो IOC कब स्टैब्लिश हुआ था, ये चीज मैंने बताया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का स्थापना कब हुई थी, कि मॉडर्न ओलंपिक आपके 1896 से शुरू हुए थे, 1896, सुनील कुमार जी ने बताया 1946, 1948, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंडियन ओलंपिक कमेटी नहीं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, राहुल कुमार जी 1896, वैसे मैंने IOC के बारे में बताया होगा आपको 1894,
जब आपके मॉडर्न ओलंपिक गेमों की शुरुआत हुई थी उससे 2 वर्ष पूर्व ही उसकी क्या हो गई थी, ये कमेटी क्या करती है आपकी डिसाइड करती है कि कौन सा इवेंट कहाँ पे होगा, ठीक है ना, ये पहले से डिसाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो ये 1894 में, ठीक है ना, 1894 में आपकी क्या बनी थी, आपकी IOC जो बनी थी, और इसका मुख्यालय आप लोगों को पता होगा लोसाने में, IOC का मुख्यालय लोसाने में, ठीक है ना। और जो आपका ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है प्रत्येक 4 साल बाद होता है, प्रत्येक कितने बार साल बाद होता है आपका, ठीक है ना, 4 ईयर के बाद होता है। यानी कि पहली बार ये इवेंट 1896 में कहाँ, एथेंस के अंदर हुए, फिर आपके 1900 में होंगे, ठीक है, उसी तरह से। लेकिन ओलंपिक खेलों का भी 2 अलग अलग तरीके से होते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को पहले बताया होगा, ठीक है ना। ओलंपिक खेल भी आपके 2 अलग अलग तरीके से इवेंट होता है, एक होता है आपका समर ओलंपिक, एक होता है आपका विंटर ओलंपिक। एक तो क्या होता है आपका समर ओलंपिक और एक आपका विंटर ओलंपिक। यानी कि समर ओलंपिक की बात करूंगा मैं तो 2016 में कहाँ हुए थे आपके, रियो के अंदर हुए थे, रियो डी जेनेरियो, जो कि 2020 में कहाँ होंगे आपके, जापान में होंगे, ठीक है ना, जापान टोक्यो में होंगे। और 24 में कहाँ होंगे आपके, पेरिस के अंदर होंगे। और 28 में भी आपके डिसाइड किए गए कि USA के अंदर होंगे। ये समर ओलंपिक की बात कर रहा हूँ, जिसे क्या बोलते हैं आपके, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। और एक बच्चा पूछ रहा है पैरा ओलंपिक, जस्ट जैसे आपके ओलंपिक खेल समाप्त होते हैं तो उसी जगह पे, उसी स्थान पे पैरा ओलंपिक आपके, यानी कि जैसे ही आपके रियो ओलंपिक, ओलंपिक खेलों का जो आयोजन, पहले क्या होता है आपका ओलंपिक खेल होते हैं, उसके जस्ट बाद पैरा ओलंपिक का आयोजन उसी जगह पे होता है, ठीक है ना, उसी इवेंट पे, वही उसी जगह पे होगा आपका। यानी कि जापान के अंदर जैसे 2020 में ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है, तो पहले ओलंपिक खेल समाप्त होते ही क्या हो जाता है आपका, पैरा ओलंपिक शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये मैं आपको क्या बताता, समर ओलंपिक की बात बताता। लेकिन विंटर ओलंपिक्स, ये ओलंपिक तो आपके प्रत्येक 4 साल में होते हैं, लेकिन विंटर ओलंपिक्स की 2018 में कहाँ हुए थे, जल्दी से आप लोग कमेंट्स में आंसर दीजिए। विंटर ओलंपिक्स जो कि 1924 से शुरुआत हुई थी और 2018 में इसका आयोजन हुआ था, विंटर ओलंपिक्स इसे क्या बोलते हैं आपके, शीतकालीन खेलों का आयोजन 2018 में कहाँ पे हुआ, जो 2022 में चाइना के अंदर होंगे। दो अलग अलग चीज बता रहा हूँ, इसलिए आप कंफ्यूज ना होए, ठीक है। एक बताया मैंने आपको समर ओलंपिक और एक आपका क्या होता है विंटर ओलंपिक्स। विंटर ओलंपिक्स 2018 में कहाँ पे हुए, साउथ कोरिया। एक बच्चे ने आंसर दिया है 2010 दिया है, 18, ठीक है ना, 2018 में साउथ कोरिया। एक बच्चा पूछ रहा है इंडिया में क्या होगा 2022 में, G20 समिट, G20 होगा, ठीक है ना। यानी कि एक बच्चे ने आंसर दिया आपका कि 2018 में विंटर ओलंपिक खेल आपके कहाँ हुए थे, साउथ कोरिया में हुए थे। ये ध्यान देना, विंटर ओलंपिक अगर आपसे पूछा जाएगा एक समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक के बीच में कितना गैप होता है, तो 2 वर्ष का गैप होता है, समझ रहे हो। यानी कि विंटर ओलंपिक्स और समर ओलंपिक आपके कब हुए थे, रियो के अंदर हुए 2016 में, और विंटर ओलंपिक्स 2018 में कोरिया के अंदर हुए। फिर आपके 2020 में क्या हो रहे, जापान के अंदर समर ओलंपिक हो रहे हैं। फिर 2022 में क्या हो रहे हैं, चाइना के अंदर विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं। विंटर और विंटर के बीच में 4 साल, समर और समर के बीच में 4 साल, लेकिन एक विंटर और समर के बीच में 2 साल का गैप होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अभी रिसेंटली आप लोगों को पता होगा पुलवामा अटैक के बाद भारत ने क्या कर दिया है, पाकिस्तान के साथ क्या कर दिया आपका, जो कस्टम ड्यूटी है उसे क्या कर दी है, बढ़ा दी है इंपोर्ट, ठीक है ना, क्या कर दिए इंपोर्ट फॉर द पाकिस्तान, जो भी और जो भी प्रोडक्ट यहां से क्या करते हैं, ठीक है ना, इंपोर्ट करते हैं, तो उसे क्या कर दिया, उस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। तो कितने परसेंट कर दी है, ठीक है ना, एज द स्ट्रॉन्ग एक्शन ऑफ अगेंस्ट पुलवामा अटैक के बाद, तो कितनी कर दी गई है, 200% कर दी गई, ठीक है ना, कितनी बढ़ा दी गई आपकी कस्टम ड्यूटी, 200% कर दी गई। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका, डी राइट आंसर आएगा, ठीक है। आजकल आप लोगों ने न्यूज चैनल में सुना भी होगा, ठीक है ना, भारत ने क्या कर दिया, 200% कर दिया, तो डी राइट आंसर आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 13,
which of the these countries launched new, ठीक है ना, submarine called फतेह, ठीक है ना, submarine called फतेह, which of the capable, ठीक है, ये क्या कर सकता है आपका, ये जो आपका submarine जो अभी recently launch किया है, क्रूज मिसाइल है, ठीक है ना, फायरिंग क्रूज मिसाइल, इराक, ईरान, ओमान या मोरक्को, तो रिसेंटली ईरान, राइट आंसर क्या आएगा इसका, ठीक है, बी राइट आंसर आएगा इसमें ईरान, बी राइट आंसर आएगा इसमें ईरान, ठीक है ना, बी इसमें राइट आंसर आपका ईरान। अभिषेक यादव जी, आपका संडे को एग्जाम था आईबी का, शायद मुझे याद है आपका, ठीक है ना, तो आपका एग्जाम किस तरह से रहा, ठीक है, ऑनलाइन था कि ऑफलाइन था, जिस तरह से भी आपके, ठीक है, कैसा एग्जाम किस तरह से रहा, तो आप शेयर कर सकते हो। अभिषेक यादव जी, हाँ, आप ऑफलाइन था, ठीक है ना, और एग्जाम कैसा रहा, आप लोग अपने जब भी कोई भी एग्जाम देते हो आप लोग, तो शेयर कीजिए, अगर आपके पास ऑफलाइन पेपर मिलता है तो उसे आप लोग एकेडमिक की जो मेल आईडी है वहाँ पे भी सेंड कर सकते हो, जहाँ आपकी कन्फ्यूजन है जीएससी रिलेटेड या आपका टेक्निकल पेपर होता है तो सर आपको बताते ही है, ठीक है ना। हाँ, जिस भी बच्चे का एग्जाम था, जहाँ पे डाउट है किसी क्वेश्चन में, तो आप लोगों को मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे भेज सकते हो, या एकेडमी की जो मेल आईडी है वहाँ पे आप सेंड कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, क्योंकि उससे, गुड मॉर्निंग शुभम बेहरा जी, गुड मॉर्निंग, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी रिसेंटली आप लोगों को पता होगा नेशनल साइबर, ठीक है ना, फॉरेंसिक लैब इन द न्यू दिल्ली, रिसेंटली नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैब जो कहाँ पे खोला गया आपका, न्यू दिल्ली के अंदर खोला गया, तो किसके द्वारा इसे क्या किया गया था, इनोग्रेट किया गया था, ठीक है, तो इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया था, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या आपका स्मृति ईरानी या नितिन गडकरी, तो इसका राइट आंसर क्या आपका, बी राजनाथ सिंह, गृह मंत्री जो भारत के अभी क्या है, होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया था, नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैब इन द न्यू दिल्ली, ठीक है, इन न्यू दिल्ली के अंदर रिसेंटली किसके द्वारा किया गया था। आप ध्यान देना, आपसे एग्जाम में ये चीज ना पूछे कि इनोग्रेट किसने करा, लेकिन आपसे जरूर पूछ सके कि रिसेंटली नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैब कहां पे खोला गया, तो ये याद रखना, न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है ना, न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, विच ऑफ द दिस सिटी विल होस्ट द 79 इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, अभी जो भारतीय इतिहास कांग्रेस का सम्मेलन होगा 2019 में, रिसेंटली ये क्या होना था आपकी महाराष्ट्र के अंदर होना था 2019 के अंदर, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है ना, जो कि पुणे यूनिवर्सिटी में होना था, तो वो क्या कर दिया, अभी रिसेंटली क्या किया, पुणे ने असमर्थता जता दी कि हम नहीं करा पाएंगे, तो उसके लिए ये आप किसे दे दिया गया आपका, डी भोपाल के अंदर होगा, बी नहीं, ठीक है ना, ये डी आपका कहाँ पे होगा, भोपाल, पहले ये पुणे यूनिवर्सिटी में होना था ये सम्मेलन, अब कहाँ होगा ये आपका, भोपाल के अंदर होगा, ठीक है ना, भोपाल मध्य प्रदेश में, अगर आपका राज्य पूछता है तो मध्य प्रदेश, हाँ 2019, ठीक है ना, 2019 में ये आपका कहाँ पे होगा, भोपाल के अंदर होगा, पहले आपका पुणे के अंदर होना था ये आयोजन, अब कहाँ पे होना है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, क्वेश्चन नंबर 16, गुड मॉर्निंग डियर, ठीक है ना, जो बच्चे लेट हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, एज पर द हिमाचल प्रदेश ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2019 में अभी क्या कर रहा है, हिमाचल प्रदेश ने एक बिल लॉन्च करा है जिसमें क्या कर रहा है, विच लैंग्वेज विल बी मेड सेकेंड ऑफिशियल, ठीक है ना, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, दूसरी, पहले हिंदी हुआ करती थी, अब सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जोड़ी गई, सिंधी, इंग्लिश, संस्कृत या मैथिली, तो सी इसका राइट आंसर है, संस्कृत को जोड़ा गया है, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश के, तो जल्दी से आप लोग, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान सीएम कौन है, वर्तमान सीएम, जल्दी से 5-10 सेकंड का टाइम देता है आप लोगों को, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान सीएम जयराम ठाकुर, क्लिक नहीं हो रहे हैं, चामलिंग तो सिक्किम के हैं,
जयराम ठाकुर हैं ठीक है ना, चामलिंग सिक्किम के हैं, एक बच्चा चामलिंग दिया है, चामलिंग सिक्किम में है, पवन चामलिंग सिक्किम के हैं ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17, अभी रिसेंटली क्या आपका नरेंद्र मोदी जी द्वारा क्या किया गया, पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर हॉस्पिटल और होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल के नाम से क्या कर रहे हैं, किस स्टेट के अंदर, सिटी का नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे लेकिन सिटी के अंदर ठीक है ना। हाँ रिसेंटली अभी किसी सिटी के अंदर आपका ठीक है ना, ये आप किस राज्य के अंदर ठीक है, दो पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर हॉस्पिटल और होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल के रूप में शुरू किया गया, इनॉग्रेट किया गया उनके द्वारा, तो कहाँ पे, किस राज्य के रंग के राज्य के अंदर, उत्तर प्रदेश, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में ठीक है, ए इसका राइट आंसर आएगा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अंदर ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग एनजीओस, एनजीओस का मतलब होता है आपका नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वॉन दी ठीक है लॉरिस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड फॉर द ईयर 2019, इस किस क्षेत्र में, ये चाइल्ड वेलफेयर के लिए, चाइल्ड वेलफेयर के लिए वाराणसी के, यूपी के वाराणसी में खोला गया है। हाँ एक बच्चे ने बताया यूपी के वाराणसी के अंदर खोला गया है ठीक है ना। हाँ रिसेंटली क्या गया आपका लॉरेंस आपका स्पोर्ट्स गुड अवार्ड, ये किसके लिए दिया गया, चाइल्ड वेलफेयर के लिए दिया गया, बच्चों के सशक्तिकरण के लिए दिया गया, और कौन से एनजीओ को दिया गया, एनजीओ के नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो भारत के अंदर प्रथमा हो गई आपकी ठीक है ना, युवा हो गया, गूंज हो गई, या नन्ही कली हो गई, तो किसे दिया गया, बी, और ये कहां पे काम करता है आपका ये संगठन एनजीओ, कहां पे आपका छत्तीसगढ़ के अंदर ठीक है ना, युवा, तो किसे दिया गया आपका बी, इसमें राइट आंसर है युवा ठीक है ना। डेली क्लासेस अभी नहीं होती लेकिन अभी अब आगे से कोशिश करेंगे डेली क्लासेस रहेगी आपकी करंट अफेयर की ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विच कंट्री बिकम द 72 कंट्री टू साइन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी कि इंटरनेशनल सोलर संगठन जो आपका है ठीक है, उस पर क्या बन गया आपका 72 मेंबर बन गया, या साइन उस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पे साइन करने वाला 72वां सदस्य बन गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये ध्यान देना अंतर्राष्ट्रीय जो सोलर अलायंस आपका गठबंधन है, यानी कि उस पर 72वां सदस्य बन गया, एक एग्रीमेंट है उस पर साइन करने वाला 72वां सदस्य बन गया, कौन सा, ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली या मैक्सिको, तो इसका राइट आंसर आएगा आपका बी अर्जेंटीना, बी अर्जेंटीना ठीक है ना, बी अर्जेंटीना। आप लोगों को मैंने जनरल स्टडी में ठीक है ना, मैंने आप लोगों को जनरल स्टडी के अंदर ये सारी की सारी कंट्रियां बताई है, तो आप लोग बता सकते हैं कि पहली तीन कंट्रियां कौन से कॉन्टिनेंट में आती है, ये पहली तीन कंट्रियां कौन से कॉन्टिनेंट में आएगी आपकी, ब्राजील, अर्जेंटीना और चिली, यानी चिली बोलते हैं आपके ठीक है ना, मैंने चिली की कैपिटल भी बताई होगी आपको लीमा, तो ये पहली जो तीन कंट्रियां हैं ये कौन से कॉन्टिनेंट में आती है, कौन से महाद्वीप में आती है, साउथ अमेरिका ठीक है ना, हाँ साउथ अमेरिका के अंदर आती है ठीक है, हाँ ये सारी की सारी साउथ अमेरिका के अंदर, और मैक्सिको आपके कहां पे आती है, ये आपके आती है नॉर्थ अमेरिका के अंदर ठीक है ना, ब्राजील, अर्जेंटीना, और ये बताया था मैंने आप लोगों को कहां पे, साउथ अमेरिका में है, और मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका में है ठीक है, उत्तरी अमेरिका के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, क्वेश्चन नंबर 20, अभी रिसेंटली नागालैंड के अंदर एक ठीक है नए लोकायुक्त के रूप में चुने गए, तो उन जस्टिस का नाम बताना आप लोगों को, नागालैंड जो राज्य है रिसेंटली वहां पे लोकायुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं, जस्टिस उमानाथ सिंह, जस्टिस अमल कुमार सरकार हो गया आपका ठीक है, जस्टिस कैलाश नाथ वांगचू हो गया, या जस्टिस मधुकर हीरालाल। अभी रिसेंटली फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ नागालैंड, पहली बार लोकायुक्त का गठन किया है वहां पे ठीक है, तो कौन से आपकी, ए इसमें राइट आंसर आएगा, ए उमा
ठीक है ना, उमानाथ सिंह ए राइट आंसर है इसमें, उमानाथ सिंह। डेली आप लोगों को बताया था मैंने जनरल स्टडी की क्लास आपकी डेली मॉर्निंग में 6 से लेकर आपके क्या चलते हैं 7 बजे तक जनरल स्टडी क्लास चलती है। आप लोग सारे के सारे गायब रहते हो, सारे के सारे बच्चे क्या गायब हो जाते हैं मॉर्निंग में। डेली आपकी जनरल स्टडी क्लास चलती है जिसमें इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पे काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती है, आपकी जीएस की काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती है, लेकिन आप लोग सारे के सारे गायब रहते हैं, बहुत कम बच्चे उसमें ठीक है ना प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारे गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, क्वेश्चन नंबर 21। तो वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई है, अब हम लोग चल जाते हैं वो 15 क्वेश्चन जो आपके जनरल अवेयरनेस के रूप में मिलने हैं आपको, कहाँ पे आरआरबी जेई में जो आप फेस करोगे एग्जाम हॉल के अंदर, तो इस तरह से जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो इससे पहले वो इस वीक की करंट के क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन, अब आपको मिलेंगे क्या जनरल अवेयरनेस से जुड़े हुए क्वेश्चन। हु हैड द फाउंडेड ऑफ अनुशीलन समिति 1905 में जब बंगाल डिवीजन हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था ठीक है ना, तो उसके जो कर्जन के टाइम पे, कर्जन उस समय क्या होता थे आपके वाइस रॉय हुआ करते थे ब्रिटिश रूलिंग के, तो उसके बाद आपका बंगाल विभाजन के बाद 1907 में अनुशीलन समिति का गठन किया गया, तो उसके फाउंडर कौन थे प्रमाद ठीक है ना, प्रमादनाथ मिश्रा या आपका वारिंद्र घोष, वीडी सावरकर या नारिंदर घोष। ठीक है ना, तो कौन हो सकता है आपके इसमें राइट आंसर आएगा आपका बी वारिंद्र घोष, वारिंद्र घोष भी आ रहे थे। अनुशीलन समिति 1907 में जो ढाका के अंदर बनी थी आपकी, ठीक है ना, वारिंद्र घोष आएगा इसमें, वारिंद्र घोष बी वारिंद्र घोष। अनुशीलन समिति में आपके अलग पीपी मित्रा भी आता आपका, और साथ ही साथ वारिंद्र घोष, ठीक है ना, इसमें बी राइट आंसर आएगा आपका वारिंद्र घोष। अनुशीलन समिति जो कमेटी बनी थी आपकी ढाका के अंदर 1907 में, ढाका बांग्लादेश के अंदर आता है प्रेजेंट टाइम पे, तो 1907 में ये क्या था आपका, जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था उसके बाद ये समिति गठन हुई थी आपकी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। ज्योग्राफी में कॉन्टिनेंट के एक सारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है ना, अगर प्लेलिस्ट अगर मैनेज नहीं है ठीक है, अगर उसे प्लेलिस्ट को क्लियर कर लेंगे, प्लेलिस्ट के अंदर है आपकी, ठीक है। वेयर वॉज द गदर पार्टी, जो गदर पार्टी का स्थापना हुई थी आपकी 1913 ईस्वी में, कहाँ पे हुई थी आपकी, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर, लाला हरिदयाल, ठीक है ना, लाला हरिदयाल के द्वारा इसका संगठन वो इस्टेब्लिश किया गया था, इसके संस्थापक थे, फाउंडर थे, ठीक है ना, बहनवाल करके भी आते, ठीक है ना, साथ ही साथ इसमें क्या आते, तो इसमें गदर पार्टी जो स्टैब्लिश हुई थी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका 1913 में, ठीक है, जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी अमेरिका के अंदर 1913 ईस्वी में हुई थी। सतीश चंद्र बसु। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग इज द नॉट रिलेटेड महात्मा गांधी, इनमें से कौन सी महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये तो महात्मा गांधी जी की क्या है, ठीक है ना, महात्मा गांधी जी की क्या है, ये ऑटोबायोग्राफी है। हरिजन, हरिजन भी महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया है। द हॉली ऑफ फैमिली और हिंद स्वराज, इनमें से कौन सी महात्मा गांधी जी द्वारा नहीं लिखी गई है। Which one of the following writing is the not related is Mahatma Gandhi? ये जी महात्मा गांधी जी द्वारा नहीं लिखी गई है, उनसे संबंधित नहीं है, तो सी द हॉली फैमिली, यानी कि ये कॉल मार्क्स की बुक है, ठीक है ना, अगर आप लोग इसे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा किसकी है, सी द हॉली फैमिली, ये किसकी है, कॉल मार्क्स की है, ठीक है ना, कॉल मार्क्स की है ये।
द हॉली फैमिली, ठीक है। बाकी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ऑटोबायोग्राफी है, हरिजन उन्होंने लिखा है और हिंद स्वराज भी लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन वाज द रोलेक्ट एक्ट पास्ट। भारत में रोलेक्ट एक्ट, अभी एक बच्चा बोल भी रहा था जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो इसी से संबंधित जलियांवाला बाग में क्या हुई थी अमृतसर के अंदर रोलेक्ट एक्ट के अगेंस्ट में, तो ये कब होता है, चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं। तो रोलेक्ट एक्ट आपका कब आया था भारत के अंदर, 1919, 1920, 1935 या 1930, उस समय वायसराय, भारत के अंदर वायसराय चेम्सफोर्ड हुआ करते थे, ठीक है ना। तो रोलेक्ट एक्ट यानी रोलेक्ट अधिनियम भारत के अंदर कब आया था आपका, 1919 में, ठीक है ना। इसी के अगेंस्ट में जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, ठीक है, जलियांवाला बाग में जो क्या हुई थी आपकी, एक सम्मेलन हुआ था अमृतसर के अंदर, तो वो आपका इसी के अगेंस्ट में था। इसे काला कानून भी कहते हैं, ठीक है ना, बिना वकील बिना दलील करके, ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने स्टेटमेंट सुना होगा जिसे काला कानून भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है ना। जनरल डायर के द्वारा लगभग जितने भी वहां पे फ्रीडम फाइटर थे, जितने भी आंदोलनकारी थे, तो उन्हें पे क्या कहा गया कि जब तक आपके पास गोली है, अमुनिशन है, तब तक आप लोग फायरिंग कीजिए। तो इस तरह से जनरल डायर ने क्या कहा था, परमिशन दी थी सिपाहियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रोलेक्ट एक्ट आपका 1919 में आया था, जो कि चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, रोलेक्ट एक्ट आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, गांधी जी लॉन्च्ड नॉन कॉरपोरेशन ऑपरेशन मूवमेंट, यानी भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई, भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई, नॉन कॉरपोरेशन, ठीक है ना, तो ये कब हुई थी आपके, 1920 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था आपका, 1920 में, ठीक है, 1920 में, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, पूना पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन, जो पूना पैक्ट हुआ था आपका, जिसे कॉमनियल एक्ट भी बोलते हैं, कॉमनियल एक्ट भी बोलते हैं आपका, किसके बीच में हुआ था, 1932 में, 1932 में होता आपका पूना पैक्ट, तो किसके बीच में होता, गांधी जी और लॉर्ड इरविन, गांधी जी और जिन्ना के बीच में, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस, या गांधी जी या अंबेडकर के बीच में। तो इसे पूना पैक्ट भी कहा जाता है, जो कि एक कॉमनियल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, 1932, 24 दिसंबर 1932 को हुआ था ये, ठीक है। पूना समझौता, पूना पैक्ट यानी कि पूना समझौता किन दो के बीच हुआ था, जो कि सीटों के निर्धारण से संबंधित था, गांधी जी और डी, इसमें राइट आंसर आएगा आपका डी, गांधी जी और अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था 1932। अगर डेट ईयर पूछता आपसे तो 1932 में। प्रांतीय स्तर पर सीटों का बंटवारा, ठीक है ना, हाँ 1932 में हुआ था आपका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, शिमला समझौता 1972 1972, Who wrote Unhappy India? Unhappy India किसके द्वारा लिखा गया है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है ना, Unhappy India। Unhappy India किसके द्वारा लिखी गई है, अनहैप्पी इंडिया अपने आप में एक बुक है, ठीक है ना, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो राइट आंसर आएगा आपका बी, लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना, बी इसमें राइट आंसर है, बी राइट आंसर है इसमें, लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। जो आपके 15 मार्क्स का इसमें जीएस आनी है, जनरल अवेयरनेस, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन कवर हो सकते हैं कवर किए जाएंगे इसमें। करंट आपकी 20, हर सैटरडे को करंट रहेगी, ठीक है ना,
हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया था? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, कॉल मार्क्स या लेनिन के द्वारा? संपूर्ण क्रांति का नारा, गुड मॉर्निंग, ठीक है ना, गुड, ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नारा या ये स्लोगन कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? जेपी जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। संपूर्ण क्रांति का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया आप लोगों के, आपके सामने पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंट्री हैव द एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, किस देश का अलिखित संविधान है? इनमें से किस देश का अलिखित संविधान है? यूएसए, यूके, इंडिया या पाकिस्तान? अलिखित संविधान तो किसका है? आपका यूके, ठीक है ना, किसका है? यूनाइटेड किंगडम, यूके का, ठीक है। अलिखित संविधान किस देश का अलिखित संविधान है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड विद इंडिया, इनमें से भारत का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है वो कौन सा? व्हाइट पेपर, ग्रीन पेपर, येलो पेपर या ब्लू पेपर? और वही किसका भी होता है? आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी होता है। पहला लिखित संविधान यूएसए का है, ठीक है। हाँ, इनमें से कौन सा भारत का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है रिलेटेड विद इंडिया, ठीक है ना, व्हाइट पेपर, ग्रीन पेपर, येलो पेपर या ब्लू पेपर? व्हाइट बुक नहीं, ध्यान देना, व्हाइट बुक चाइना का है तो व्हाइट पेपर होता है, ठीक है। यही आपका किसका भी होता है, ब्रिटेन का भी क्या है? व्हाइट पेपर है जो ऑफिशियली रूप से होता है भारत का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, व्हाइट पेपर। और ब्रिटेन का भी, वर्तमान समय पर ब्रिटेन का भी, व्हाइट बुक की बात करेगा तो चाइना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, वेयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट टाइम बॉर्न, पहली बार किस देश में लिखित संविधान का जन्म हुआ? तो यह अभी एक बच्चे ने आंसर भी दिया था इसका, फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन या स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका यूएसए। पहली बार लिखित संविधान कहां पे लिखा गया या लिखित संविधान किस देश का था, तो ये कॉन्सेप्ट किसका था? आपका यूएसए का, ठीक है ना। इसमें राइट आंसर आएगा आपका बी, यूएसए, ठीक है ना, बी इसमें राइट आंसर है, यूएसए। इसी तरह से हम लोग बेसिक क्वेश्चनों को लेते हुए कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्टिव डेली करते रहें, कम से कम 50 क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन उसके आपको डेली रिस्पांस ये देना पड़ेगा कि आप लोगों को भी तो डेली आना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम दी, यानी कि भारत में, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में जुडिशियल रिव्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 137, यानी कि न्यायिक पुनर्वलोकन, अगर हिंदी में बोलेंगे न्यायिक पुनर्वलोकन का जो प्रावधान लिया गया है कौन से संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। न्यायिक पुनर्वलोकन, जुडिशियल रिव्यू इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री, ये कॉन्सेप्ट कौन से कंट्री से? इंग्लैंड, यूएसए, कैनेडा या ऑस्ट्रेलिया? तो कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम, यानी कि कहाँ से लिया गया हमारे संविधान के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37, द आइटम ऑफ एजुकेशन बिलोंग टू, तो आप लोगों को पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7, अगर आप लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक बच्चा बोलता है, राहुल कुमार मंडल जी बोलते हैं बैटरी 6% रह गई है, तो 6% से पहले पहले खत्म करने क्लास, अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन करने में, ठीक है ना। एक सैटरडे को ही प्रैक्टिस होती है अभी आपकी, आगे धीरे धीरे जैसे एग्जाम की पास आएगा तो हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे और
आप लोग तो सिर्फ प्रैक्टिस सेशन में ही आते हैं, बाकी जब आपको जनरल स्टडी पढ़ाई जाती है उस टाइम पे आप लोग सारे के सारे गायब हो जाते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं आज कि आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस सेशन में आते हैं बाकी टाइम गायब हो जाते हैं, ऐसा क्यों? द आइटम एजुकेशन बिलोंग टू यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, या आपका किस में आता है? कॉन्करेंट लिस्ट में आता है या आपका रजिस्ट्रेशन सब्जेक्ट में आता है, किस में आता है? अच्छा, ए बी बोलते हैं कि मैं पहली बार आया, तो आप पहली बार आए हो। एक बच्चा, अच्छा रंजन कुमार जी, सारी की सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है? अगर प्लेलिस्ट में नहीं मिल रही तो उसे प्लेलिस्ट में मैनेज करके डाल देंगे, ठीक है ना? उसे, ठीक है, प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा। अगर बाहर होगी वीडियो तो प्लेलिस्ट में डाल दी जाएगी आपको, ठीक है ना? तो उसके लिए आप चिंता ना करें, सारे के सारे जितने भी कॉन्टेंट हमने पढ़े अब तक वो सारी की सारी डाल दी जाएगी, ठीक है ना? तो किसका ये आपका सी इसमें राइट आंसर आएगा, जिसे हिंदी में बोलते हैं समवर्ती सूची, ठीक है ना? कौन सी इसमें आता है? समवर्ती सूची के अंदर आता है। तो भारत में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 को देखेंगे आप लोग, यानी कि ये किस में आता है? समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची के अंदर आता है, ठीक है ना? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील फंडामेंटल राइट, यानी कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या पार्ट 4? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट दिया गया है? भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी सारे कवर किए इसमें, कौन से पार्ट में दिए गए, यानी कि पार्ट आता आपका 3, भाग 3 में क्या दिया गया आपका? फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, यानी कि मूल अधिकारों का प्रावधान किस में दिया गया आपके, ठीक है ना? भाग 3 के अंदर दिया गया, पार्ट 3 के अंदर दिया गया है। और ये कहां से लिए गए आपके, ठीक है ना? यूएसए से लिए गए, ठीक है? एक बच्चा पूछ रहा है सेकंड में भी बता दूंगा आप लोगों को। फर्स्ट में आता है आपका यूनियन एंड, जो आपका जैसे संघ एवं राज्य आता है। सेकंड आपका 5 से शुरू हो जाएगा, 11 तक हो जाएगा आपका, और वो आता है आपका सिटीजनशिप से आता है, यानी कि नागरिकता से संबंधित है। पार्ट 2 आपका नागरिकता से संबंधित है, और एक क्वेश्चन बहुत जनरली पूछा जाता है, ठीक है ना? पार्ट 2 किससे? सिटीजनशिप से आपका, और जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है और आपसे भी पूछूंगा मैं, यानी कि अगर भारत के अंदर नागरिकता के संबंध में, अगर सिटीजनशिप के संबंध में कोई भी कानून बनाना है, उसमें कोई नया प्रावधान लाना है या नया कुछ भी चीज़ जोड़नी है, तो ये अधिकार किसके पास होता है? आप लोगों ने जो पार्ट 2 पूछा, यानी कि भाग 2 के अंदर एक जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर नागरिकता के संबंध में कोई भी नया कानून लाना है, ठीक है ना, अगर नया कुछ भी उसमें चेंजेस करने हैं, तो वो अधिकार किसके पास होता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, अच्छा, अपर हाउस, लोअर हाउस? ठीक है ना? तो यहां पे ध्यान देना, पार्ट 2 का आप आर्टिकल 11 जरूर पढ़ना आज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 11 के अंदर क्या दिया गया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 11 के अंदर क्या दिया गया है, ये जरूर ध्यान देना, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आर्टिकल 11 को जरूर पढ़ेंगे आप लोग आज, ठीक है ना? तो ये इसमें क्या दिया गया आपका कि अगर नागरिकता के संबंध में कोई भी कानून बनाने का अधिकार होता है तो किसके पास होता है? संसद के पास होता है, भारतीय संसद के पास, पार्लियामेंट के पास होता है, ठीक है ना? अपर हाउस, लोअर हाउस, प्रेसिडेंट, सारे के सारे आएंगे। हाँ, एक बच्चे ने दिया है, तो ये पार्लियामेंट के पास होता है। ये अभिषेक यादव जी ने आंसर दिया है आपका, ठीक है? इसमें सबके सब आते हैं आपके, अपर हाउस, लोअर हाउस और प्रेसिडेंट, यानी कि पार्लियामेंट के पास होगा, संसद के पास होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 11 में देखेंगे आपको, वहां मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मेनी लैंग्वेज हैव रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के तहत कितनी ऑफिशियल भाषाएं हैं आपकी, ठीक है? तो 15 है, 14 है या 22 है या 24 है? लेकिन जब भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन बना था आपका, तो तब आपकी कुछ और आंसर आएगा इसमें, ठीक है ना?
तो कितने आते आपके, ठीक है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तब तो 14 भाषाएं थी, लेकिन अब कितनी हो गई आपकी, ठीक है ना, अब कितनी हो गई आपकी, 22, 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान में, ठीक है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों को पार्ट जब स्टार्टिंग में 14 थी, और सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहले 21वां जो आपका अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 21वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कई बार पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो कौन सी जोड़ी गई थी, ठीक है ना, भारतीय जो आपका जो इसमें भाषा जोड़ी गई थी, यानी कि 15वीं 14 के बाद जो आपका पहली भाषा जोड़ी गई थी, तो वो कौन सी जोड़ी गई थी, सिंधी जोड़ी गई थी। 21वां संविधान संशोधन, 21वां अमेंडमेंट एक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। द मेथड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज द प्रोवाइडेड इज, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन का अधिकार देता है, जो कि साउथ अफ्रीका से दिया गया है। द मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो कौन सा आपका, आर्टिकल 368, यानी कि भारतीय संविधान के अंदर अगर संशोधन होता है तो ये भी आपका क्या है? एक, ठीक है ना, किसमें दिया गया आपका, आर्टिकल 368 के अंदर, डी राइट आंसर आएगा, जो कि साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। ये कहाँ से लिया गया है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया आपका, संविधान में संशोधन, जैसे कि अभी रिसेंटली आप लोगों को पता होगा पहले संविधान संशोधन 124 हुआ, जो एक्ट बन गया आपका 103, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे जीएसटी के लिए 101, ठीक है ना, तो कहाँ से लिया गया आपका, साउथ अफ्रीका से, आर्टिकल 368 के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37। विद वर्ड सब्जेक्ट टू द आर्टिकल 5-11 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील, यानी कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक किससे संबंधित है, इंडिया एंड यूनियन इट्स टेरिटरी, यानी भारत संघ एवं जो आपके केंद्र शासित प्रदेश, सिटीजनशिप, नागरिकता से फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य या यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो किससे संबंधित है, अभी रिसेंटली बताया था, यानी कि पार्ट 2 भाग 2 और 5 से लेकर आर्टिकल, अगर आर्टिकल की बात करेंगे तो 5 से लेकर 11 तक क्या दिया गया, नागरिकता के संबंध में, ठीक है ना, कि भारत का नागरिक कौन होगा, अगर कोई बाहर विदेशी है तो कितने समय के बाद, ये सारे के सारे प्रावधान दिए गए। जैसे आर्टिकल 6 के अंदर पाकिस्तान से भारत आए हुए, ठीक है, जो लोग थे उस टाइम पे उनकी नागरिकता के संबंध में, या जैसे आपका NRI आर्टिकल 9 के अंदर, ठीक है, तो इस तरह से दिया गया आप लोगों को, ठीक है, उसमें देख सकते हैं आप, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सब कुछ दिया गया, जिसमें स्पेशली 11 क्या आपका, ठीक है ना, तो ये दिया गया इसके अंदर। तो पार्ट 2 और आर्टिकल 5 से लेकर 11 सिटीजनशिप, नागरिकता के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 38, द आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड, ठीक है ना, एबोलिशंस ऑफ द अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पर्शता, अस्पर्शता का उन्मूलन कौन से अनुच्छेद में दिया गया, ये भी आपका फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है ना। तो ये इंडियन कौन से, तो अनुच्छेद 17 के अंदर, अनुच्छेद 17 यानी कि आर्टिकल 17 के अंदर दिया गया है स्पेशली, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट में आता आपका, ठीक है ना, अनुच्छेद 17 के अंदर। तो बिल्कुल बेसिक चीजें ली है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम, ठीक है, इंटरवल बिटवीन द टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में, ठीक है, दो सेशन के बीच में मैक्सिमम कितने गैप होना चाहिए, ठीक है, इंटरवल होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए आपका, ठीक है, 6 मंथ का, कितना होना चाहिए, 6 मंथ का।
सिक्स मंथ का गैप होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। बीसीजी वैक्सीन गिवन बाय द प्रोटेक्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, इनमें से कौन सी डिजीज के लिए। ठीक है, इसमें से कौन सा आपका, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, बीसीजी का जो वैक्सीन गिवन बाय प्रोटेक्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। अच्छा, कौन सा, एक बच्चा पूछ रहा है ए बी सर जी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा होना चाहिए, फेडरल, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए इसमें, फेडरल, ठीक है ना, फेडरल आएगा आपको। और द यूटिलिटी किस में आएगा, फेडरल में आएगा, ठीक है ना। बीसीजी वैक्सीन इज अ गिवन प्रोटेक्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, किसमें जॉन्डिस होता है या एनीमिया या आपका कौन सा होता है, ट्यूबरकुलोसिस। तो दो चीज के लिए बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी, ठीक है ना, किसमें आता है, लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग के लिए बीसीजी का टीका जो वैक्सीन जो प्रोटेक्ट, किसके प्रोटेक्ट के लिए, ट्यूबरकुलोसिस, ये वायरल डिजीज है, ठीक है ना। तो ये किसके लिए लगाया जाता है आपका, ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 और ये क्वेश्चन आप लोग से पूछ भी सकता है, क्योंकि ये अभी इलेक्शन होने वाले हैं, आप लोगों को पता है कि 2019 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो कौन सी लोकसभा अपना कार्यकाल समाप्त करेगी, ठीक है ना। अभी कौन सी लोकसभा आपके कार्यकाल समाप्त करेगी, द लास्ट सेशन ऑफ लोकसभा कनेक्ट दैट 14 फरवरी, आपका एक लास्ट सेशन होता है 14 फरवरी को अंतरिम जो आपका, ठीक है। तो कौन सी ठीक है, तो कौन सी थी आपकी, डी 16वीं लोकसभा, ध्यान देना सी नहीं आएगा, डी आएगा, डी राइट आंसर, 16वीं लोकसभा का लास्ट सेशन होगा। और भारत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है ना, मैंने आप लोगों को लोकसभा के बारे में बताया था, आर्टिकल 81 पढ़ेंगे आप लोग, तो वहां पे सब कुछ दिया है आपका। तो अभी रिसेंटली 16वीं लोकसभा समाप्त होगी और 17वीं लोकसभा के लिए क्या होंगे, इलेक्शन होंगे, तो ये चीज भी ध्यान देना, ठीक है ना, इस चीज का भी ध्यान देना। सोलहवीं लोकसभा समाप्त हो जाएगी आपके और 17वीं लोकसभा के लिए आप क्या होंगे, इलेक्शन होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। द रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया हैज द ऑफिशियली चेंज द नेम रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया, ठीक है ना, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया। तो सर, मैंने आप लोगों को जो कॉन्टिनेंट पढ़ा था, एक बच्चा पूछ रहा है, देखो लगभग सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग जितने भी होंगे मैं लगभग आपका स्टार्टिंग से ही कवर करते हुए लगभग 50 तक के आज लिए थे मैंने, तो उससे आगे आगे लेते रहूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना, प्रैक्टिस हम लोग करते ही रहेंगे, ठीक है ना, प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, इस वजह से आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें पढ़ना है। मैसेडोनिया मैंने आप लोगों को बताया था जब मैं यूरोप कॉन्टिनेंट पढ़ा रहा था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि रिसेंटली मैसेडोनिया, ठीक है, इसने अपना नाम क्या कर दिया, जिसे आप पहले मकदुनिया के नाम से जानते थे, इस कंट्री को किस नाम से जानते थे, पहले मकदुनिया के नाम से जानते थे, और अब इसका नाम क्या हो गया आपका, नॉर्थ मैसेडोनिया हो गया है, ठीक है, और यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका, स्कोपजे, इसका राइट आंसर आएगा आपका बी राइट आंसर आएगा, नॉर्थ मैसेडोनिया रिसेंटली नाटो का भी सदस्य बन गया है, रिसेंटली नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन का भी सदस्य बन गया है, इसलिए भी चर्चा में आया और अपना ऑफिशियल नेम भी चेंज करा,
ठीक है, पहले मकदूनिया के नाम से जानता है जाना जाता था, अब किस नाम से जाना जाएगा, नॉर्थ मैसिडोनिया के नाम से जाना जाएगा। अगर ये भी पूछता है कि कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट में है, यूरोपियन महाद्वीप के अंदर है, ठीक है ना। इसीलिए ये क्वेश्चन उठाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। द चिल्का लेक इज लोकेटेड इन, भारत में सबसे बड़ी सॉल्ट लेक नमकीन झील चिल्का झील किस राज्य में है। हाँ आज 50 है, ठीक है ना, आज 50। आगे कोशिश करेंगे हम लोग सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है ना, और इस संबंध में मैनेजमेंट से बात करके आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन, लेकिन आप लोगों को भी रेगुलर क्लास के अंदर आना पड़ेगा, ठीक है। और जब से पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड हुई तब से तो आप लोग ऑनलाइन के लिए आते नहीं है, जबकि ऑनलाइन में बहुत सारी, ठीक है, आप लोगों को पीडीएफ देने में कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ भी दे दूंगा आप लोगों को, प्रैक्टिस ना कराऊं तो। प्रैक्टिस में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें भी तो बताई जाती है आप लोगों को उससे संबंधित, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे आप लोगों को दिख रहे हैं सामने सामने, तो उसमें भी पता चल जाता है कंपटीशन लेवल कहाँ पे है, ठीक है ना। पीडीएफ जब से पीडीएफ प्रोवाइड कराए आप लोग तो टेस्ट देने के लिए आते ही नहीं हो, ठीक है ना। चिल्का लेक जो भारत में सबसे बड़ी क्या है, नमकीन झील भी है, भारत की सबसे बड़ी नमकीन झील भी है, तो कहाँ पे, आपका उड़ीसा राज्य के अंदर, ठीक है, उड़ीसा राज्य के अंदर है। तो आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा मैं, कल ही मैंने बताया था आप लोगों को शिव समुद्रम जो कि कर्नाटक राज्य के अंदर है, कौन से रिवर पे, शिव समुद्रम फॉल कौन सी नदी पर बना हुआ है, शिव समुद्रम जो फॉल है, शिव समुद्रम जो आपका क्या है, फॉल यानी झरना है, कौन सी नदी पर बना है। तो आंसर दिया है एक बच्चे ने, पीडीएफ आप लोगों को लिंक में, ठीक है, टेलीग्राम लिंक दिया जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। कावेरी रिवर पे कर्नाटक के अंदर, बहुत बढ़िया। कावेरी, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिव समुद्रम कौन से रिवर पे है, तो कावेरी रिवर पर और कर्नाटक के अंदर। दूसरा पूछा जाएगा आपको कि भारत का सबसे ऊंचा फॉल कौन सा फॉल है आपका, जोग फॉल, ठीक है ना, कौन सा है, जोग फॉल, जिसे किस नाम से भी जानते हैं, गांधी फॉल के नाम से भी जानते हैं, और ये भी कर्नाटक। अगर कभी पूछ लेगा आपसे कौन से स्टेट के अंदर है, तो कर्नाटक के अंदर। रिवर का नाम पूछेगा तो रिवर कौन सी आएगी आपकी, शरावती रिवर आएगी, ठीक है ना। भारत का सबसे ऊंचा जोग फॉल, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा एंजिल फॉल कैरो रिवर के अंदर, और शिव समुद्रम जो फॉल है काफी चर्चाओं में रहता है आपका, तो कहाँ पे आपका, कावेरी नदी पे कर्नाटक के अंदर। क्वेश्चन ध्यान देना, क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, आपको पता है कि भारत का सबसे ऊंचा जोग फॉल है, लेकिन आपसे रिवर पूछ लेगा तो रिवर कौन सा आएगा आपका, ठीक है ना, शरावती, और स्टेट पूछता है तो कर्नाटक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। द आउटर रेंज ऑफ विच माउंटेन इज नोन एज शिवालिक, किस माउंटेन की, यानी कौन सी एक आपकी माउंटेन है जिसकी आउटर रेंज शिवालिक के नाम से भी जानी जाती है, हिमालयस, नीलगिरी, अरावली या पटकाई। वर्ल्ड की कौन सी, सॉरी किस वर्ल्ड की नहीं, आउटर रेंज ऑफ द विच माउंटेन इज नोन एज शिवालिक, किस माउंटेन की आउटर रेंज शिवालिक के नाम से भी जानी जाती है, तो कौन सी आपकी, हिमालय रेंज। हिमालय रेंज की जो सबसे आउटर, ठीक है ना, हिमालय रेंज की सबसे जो निचला एरिया होता है, सबसे आउटर जो रेंज होती है, ठीक है, वो किस नाम से जानी जाती है आपकी, सबसे निचला वाला पार्ट, ठीक है ना, वो किस में आता है आपका, सबसे टॉप वाला पार्ट आता है आपका ग्रेट माउंटेन, फिर मिडिल वाला पोर्शन आता है, और लास्ट जो सबसे नीचे वाला पार्ट आता है आपका, वो कौन सा आता है आपका, ठीक है, ये ज्योग्राफी में बता दूंगा आप लोगों को, जब माउंटेन वाला पोर्शन करेंगे तो हिमालय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, तो ज्योग्राफी में ये पोर्शन पढ़ाऊंगा आपसे, ठीक है ना। तो कौन सा आता है आपका, हिमालय, ठीक है, हिमालय आता है, हिमालय के उसमें आता है आपका शिवालिक। विच इज द ओनली इंडियन स्टेट शेयर्ड इट बाउंड्री विद सिक्किम, इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जो सिर्फ
कौन सा सिर्फ एक राज्य है जो सिक्किम से बाउंड्री शेयर करता है, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश या वेस्ट बंगाल? यहाँ पे गुड, ए बी, आपका पूरा नाम तो नहीं लिखा आपने, शॉर्ट में लिखा है ए बी, तो लगभग आपने बिल्कुल सही बताया, ठीक है ना? रिया मुखर्जी, मेरा स्टेट, अच्छा गुड, वेस्ट बंगाल, ठीक है ना? राइट आंसर क्या आएगा आपका? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल क्या करता है आपका? वेस्ट बंगाल सिर्फ एक ही राज्य है जो सिक्किम को क्या करता है, टच करता है, या सिक्किम भारत के एक ही राज्य को टच करता है, वेस्ट बंगाल को। और दार्जिलिंग स्टेट, दार्जिलिंग भी कहां पे आपका? सिक्किम के अंदर ही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। हु नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, भारत में अंतरिक्ष जो कार्यक्रम की शुरुआत की थी उसके जनक किसे माना जाता है, अंतरिक्ष कार्यक्रमों के जनक किसे माना जाता है, ठीक है ना? हु नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, सीवी रमन, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम या आपका सतीश धवन, ठीक है ना? तो आपका किसा माना जाता है? फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई को, ठीक है? और मैंने आप लोगों को बताया भी था विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कौन से सिटी में है, भारत के किस राज्य के अंदर और कौन से शहर में है? ये क्वेश्चन आपको जनरल स्टडी में पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, सुनील कुमार यादव जी ने आंसर दिया है केरल के अंदर, केरल में भी मैंने आपको स्पेशली शहर बताया था। तिरुवनंतपुरम, बहुत बढ़िया, केरल के अंदर तिरुवनंतपुरम में, तो ये मैंने आपको ज्योग्राफी के अंदर बताया था विक्रम साराभाई, ठीक है ना? स्पेस सेंटर अंतरिक्ष केंद्र कहां पे आपका? तिरुवनंतपुरम, यानी कि केरल की जो कैपिटल है वहां पे है आपका, ठीक है ना? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, वेयर इज द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये लगभग सभी बच्चों को पता होगा, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पे? डी कटक में है आपका, ठीक है? राइट आंसर क्या है? डी कटक, यानी कि उड़ीसा के अंदर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आगे हम इन क्वेश्चनों को अपडेट करते रहेंगे, अपग्रेड करते रहेंगे, ठीक है? तो इसमें क्या आपका आंसर? डी कटक के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। हु डिस्कवर द सेल, यानी कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, पहली बार कोशिका पर, पहली बार कोशिका पर जो अध्ययन किया गया था, यानी कि लिविंग सेल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ सेल की बात कर रहा हूं, किसके द्वारा? क्रिस्टोफर रैन के द्वारा, जैकब स्लाइडन, रॉबर्ट हुक या तो रॉबर्ट हुक के द्वारा, ठीक है ना? अगर आपसे पूछा जाएगा कि सेल पे अध्ययन किसने किया सबसे पहले, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था कोशिका का, ठीक है? जो आपका ये बायो वाले पोर्शन में पढ़ाया था मैंने आप लोगों को बायोलॉजी में, तो वहां पे ध्यान दिया होगा रॉबर्ट हुक के द्वारा। और दूसरा क्वेश्चन आता है सेल थ्योरी, यानी कोशिका सिद्धांत सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, तो कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था आपका? स्लाइडन एंड स्वान, कोशिका सिद्धांत स्लाइडन एंड स्वान के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना? दो अलग अलग चीज बताई आपको, एक तो सबसे पहले क्या करा था इन्होंने, टेलीस्कोप पे क्या करा, एक कॉर्क का टुकड़ा लिया, ठीक है ना? कॉर्क का टुकड़ा लिया और उसमें देखा क्या कि इसमें जो स्ट्रक्चर बना हुआ है मधुमक्खी के छत्ते के समान, ठीक है ना? कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं और उन ब्लॉक्स को इन्होंने क्या नाम दे दिया, ठीक है? जो मैंने बताया था आपको सेल इस तरह से इन्हें क्या दिखा, एक स्ट्रक्चर दिखा, और जो आपस में जुड़े हुए थे इसी संरचना में जुड़े हुए थे आपके, ठीक है ना? इसी तरह से ये क्या होंगे, आपस में जुड़े होंगे, ये ब्लॉक्स ऐसे आपस में जुड़े होंगे, ठीक है ना? इस तरह से ये ब्लॉक्स आपस में जुड़े रहेंगे, तो इन्होंने इन्हें क्या बोल दिया, ठीक है? इन्होंने इसे क्या दे दिया, सेल नाम दे दिया था, किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा।
सेल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई आप लोगों को, वो आप लोग वीडियो में देख सकते हो, ठीक है, बायो वाले पोर्शन में वहाँ पे बताया था आप लोगों को, ठीक है ना। और कितने क्वेश्चन है, चलो यही क्लोज कर लेते हैं, 55 क्लोज कर लेंगे, क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है। रिया मुखर्जी सर, क्या आप केमिस्ट्री भी कराएंगे? केमिस्ट्री भी होगी सारी, देखो अभी आपका फिजिक्स चल रहा है, बायो वाला पोर्शन चल रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 49, केमिस्ट्री भी चलेगा आपको, सभी सब्जेक्ट चलेंगे, अभी एक्टिव रीजनिंग की शुरू हो गई आपकी, ठीक है ना। इसके बाद जैसे मैथ जो क्वांट वाला पोर्शन है वो भी शुरू होगा आपका, तो लगभग आपका कहीं जाने की जरूरत नहीं, सभी ऑब्जेक्टिव भी आपका कराए जाएंगे, जिस तरह से ऑफलाइन में होता है वैसे ही ऑनलाइन भी आप लोगों को कराया जाएगा, ठीक है ना, यूट्यूब पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट गैस इज द मेन क्यूज ऑफ द राइज इन टेम्परेचर इन एटमॉस्फेयर, जो हमारे एनवायरनमेंट, हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए कौन सी गैस सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या रेडोन, ठीक है ना, कौन सी होती है, C2, यानी कौन सी होती है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, सी इसमें राइट आंसर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं और आज के लिए एंड भी कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 50, ब्लीचिंग पाउडर किस नाम से जाना जाता है, ब्लीचिंग पाउडर इज द ऑल्सो केमिकल नेम, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, केमिकल नेम, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होगा, आप लोगों के सामने ऑप्शन रखे गए हैं, CoAClO2, यानी कि सी राइट आंसर आएगा आपका, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड्स, ठीक है ना, हाँ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाओगे आपको तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को कितने 50 क्वेश्चन मिलेंगे, और इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको भी तो आना पड़ेगा, ठीक है ना, ऑनलाइन आना पड़ेगा आपको प्रैक्टिस के लिए। और ध्यान देना PDF भी आपको मिल जाएगी, एक चीज़ का ध्यान देना, PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा वहाँ पे मिल जाएगी। सुनील कुमार जी, बायो का भी अभी कुछ पोर्शन रह गए, उसे कंप्लीट करेंगे, जैसे डिजीज से रिलेटेड अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लेक्चर यही समाप्त करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग क्या करेंगे, डाउनलोड तो कर लेंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना कि जब से आप लोगों को PDF प्राप्त दी गई तब से आप लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए नहीं आते। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो अगर आप लोगों को मैं यहाँ पे 50 क्वेश्चन कराता हूँ, समझ रहे हो, अगर मैं आपको 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें बता भी तो रहा हूँ, ठीक है ना। तो PDF में तो मैंने आपको PDF दे दिया और आंसर दे दिए, ये तो कहीं भी मिल जाएगा PDF, तो वैसे आंसर मैंने भी तो कहीं ना कहीं से उठा के रखे होंगे इन चीज़ों को। तो इन चीज़ों का ध्यान देना, प्रैक्टिस का मतलब ही यही है कि उससे जुड़ी चीज़ें, और आपका जो फ्रेंड सर्कल है, अभी अगर आप लोग 50 से लेकर 60 बच्चे अगर इसमें टेस्ट दे रहे हैं तो वहाँ पे देख लो कि कंपटीशन कितना है, कोई बच्चा सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर दे रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान देना, प्रैक्टिस से यही होता है, नहीं तो हम लोग घर में बैठ के भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, आराम से बुकें खरीदी उनसे पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस रिविजन इक्वल टू सक्सेस, यानी उससे पता चल जाता है हमारा कौन सा पोर्शन छूट रहा है, यानी हम कंटिन्यू टाइम दे रहे हैं, टाइम टेबल दे रहे हैं हर चीज़ के लिए, लेकिन उससे पता चल जाएगा कौन सा चीज़ हमारा छूट रहा है, तो यही प्रैक्टिस में होता है, ठीक है ना। तो बच्चों, मैं आज का लेक्चर यही समाप्त करता हूँ, आगे हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, अभी आपका जनरल स्टडी और साइंस की क्लासेस चल रही है, ठीक है, जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग प्रैक्टिस सेशन आगे कंटिन्यू रखेंगे, कोशिश करेंगे एक क्लास जनरल स्टडी में जिसमें मिक्स क्वेश्चन रहे, स्पोर्ट्स, करंट, आपके सभी चीज़, तो ये एक प्रैक्टिस सेशन डेली रखेंगे, और आपका दायित्व भी बन जाता है कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराएं अपने फ्रेंड सर्कल में। एक बच्चा कल कमेंट्स करता है, शेयर करेंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो वो चीज़ ना रखें, कंपटीशन तो बढ़ेगा ही, ठीक है, और बढ़ भी गया, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यही समाप्त कर रहा हूँ बच्चों, धन्यवाद।